हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न VVI है, ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं। इससे ज्यादातर ये पूछा गया प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। ये दोनों ये प्रश्न जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए पहला ऑप्शन हम लोग बनाते हैं। पहला ऑप्शन है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में ज्ञात करना है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बहुत मान्यता है, देखिए ये जो दिया है यहाँ लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्या है? लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना आयतकार भूखंड माना आयतकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे बाबू, क्या मानेंगे? चौड़ाई x मीटर ले लेंगे, मीटरों में रखना है, मीटर है, तब क्या हो जाएगा? जब चौड़ाई x मीटर है तो कहता है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो यहां लिखेंगे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2x+1 हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखना है आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल मेरे दोस्त कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर दिया है, यहां आप लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, अब यहां आपको लिखना है आयतकार भूखंड आयतकार भूखंड खंड का क्षेत्रफल कितना होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए अब इसका मान कितना है बाबू? 528 है, यहां देख सकते हैं 528 वर्ग मीटर में है। लंबाई कितना लिखे हैं? तो 2m+1 है और गुणा में क्या है? चौड़ाई क्या है बाबू? x है। ठीक है, अब इससे गुणा कर सकते हो तुम, 28m² बराबर में गुणा करोगे तो 2m m में नहीं रहेगा बाबू, x है, x में माने हैं, तो इससे गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा x² हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कितना? तो 2x² हुआ प्लस में x हुआ, और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 528। ठीक है, बराबर में क्या हुआ? 0 हुआ। पहले द्विघात फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए इसको x का मान निकाल लेते हैं। यहां क्या है? एक a बराबर है बाबू 2 है, b बराबर क्या है? 1 है, और c बराबर माइनस 528 है। तो द्विघात फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहां देख लीजिए, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहां मान रखते हैं x बराबर क्या है तो माइनस में b है, तो यहाँ b का मान कितना है? 1 है, तो माइनस में 1 हो गया, बीच में है क्या? प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया। अंदर रूट में क्या है मेरे दोस्त? अंदर रूट में है b² यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस आपका 4 है, अब 4 के बाद क्या है? तो a है, a के जगह पर क्या है? 2 है, और c है, तो c के जगह पर देख लो क्या है आपका? माइनस में 528 है, बटा में हो जाएगा 2 × 2, 2 है ये का मान। तो यहां x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 1 प्लस माइनस हो गया आपका, अंदर रूट में क्या हो जाएगा बाबू? 1 का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 गुना हुआ 8, अब हो गया 528 बटा में हो गया 4। फिर यहां हम x बराबर आएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस माइनस में हो जाएगा, और यहां हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां हो जाएगा 1 तो है ही, और यहां हो जाएगा इससे गुणा करो 8 × 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा 8 और 2 × 16 16 × 6 22 के 2 हासिल 2 8 × 44 से 2 हो जाएगा 42 मेरे दोस्त 42 हो जाएगा बाटा में हो जाएगा 4। ठीक है, बाटा में हो जाएगा
चार। अब यहां से x का मान हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस में आपका एक प्लस माइनस अंदर रूट में हो जाएगा ये 42 25 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका चार। यहां ध्यान दीजिए कि 42 25 का वर्गमूल आप करते हैं तो कितना होता है, वर्गमूल करेंगे तो 36 हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 होगा ना, 36 होगा, 749 हो जाएगा, नहीं होगा, 12 में से 6 हो गया, 6 हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 6 12 हो गया, 2 5 आ जाएगा यहाँ, और यहां से आप कितना मत में गए तो 6। अब यहां से किससे करिएगा आप, तो अब 5 से ले लो, तो 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 9 10 दो 12 हो जाएगा, 5 के 5 घर से 6 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 65 आ गया दोस्तों। यहां हम लिखेंगे x बराबर -1 ± यहां लिखेंगे अंदर रूट में 65 × 65 भी लिख सकते हैं, बटा में 4 लिख सकते हैं, x बराबर -1 ± 65 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां x का मान जब निकालेंगे तो दो मान निकलेगा, एक धन एक ऋण, तो यहां माइनस में आप निकालेंगे तो -1 ± 65 बटा में 4, ये हो जाएगा -1 - 65 बटा में 4, तो यहां हो जाएगा आपका ये कटेगा 64/4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा ये 66/-4, ये मान जो होगा आपका अमान्य होगा, अमान्य इससे कुछ लेना देना नहीं, अमान्य माइनस में चला गया, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका मान, 16 हो गया, ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो x का मान मीटर में आ गया, तो x हम लोग क्या लिए है, x क्या लिए है तो भूखंड की चौड़ाई लिए है, तो चौड़ाई आपका x निकल गया, और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई यहां अतः में लिख लीजिए, अतः भूखंड, अतः भूखंड, भूखंड की, अतः भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x है तो x का मान है 16 मीटर में आ जाएगा, और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भूखंड की, यहां भी लिख दे दो, भूखंड की लंबाई आ जाए, इसे ही लिखिए शॉर्टकट में लिखिए, लंबाई बराबर हो जाता है 2x होता है ना, देखो तो यहाँ 2x + 1 तो 2 हो जाएगा ना, कितना है आपका 2 हो जाएगा, 2 होगा, और 2 में 16 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 16 और प्लस में हो जाएगा 1, यानी 16 × 32 हुआ ना, यहाँ 32 और प्लस 1 बराबर हुआ 33 मीटर हुआ ना, इतना हुआ, फिर इतना तो बना लिए, ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको आप अपने से जरूर बनाइए मेरे दोस्त, अपने से बनाइए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, प्रश्न से है, यहां लिख भी सकते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक गुणांकों का गुणनफल मेरे दोस्त कितना है, तो गुणनफल बराबर है 306। अब यह क्या करेंगे, जो ये 2 क्रमागत धनात्मक गुणांक है वो क्या है आपका, एक एक्स है, एक x+1 है, यहां क्या करेंगे x × x+1 कर लेंगे, बराबर में 306 कर लेंगे, यहां गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, बराबर में 306 हो जाएगा, या यहाँ फिर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x² + x - 306 बराबर में 0। यहाँ ये हो सकता है कि आपका a का मान आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं a, b बराबर 1 और c बराबर -3 0 6, यानी यहाँ x के पास कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 है, x के पास कुछ नहीं दिख रहा है, x² में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, x के पास कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, और यहां तो सामने है ही। अब यहां प्रयोग करते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है। यहां x बराबर हो जाएगा बाबू b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए हो जाएगा। अब यहां इसका मान रखिए, जो मान दिया रहता है उसको रखिए, बहुत आसानी से बन जाएगा आपका। आपका बी की जगह पर क्या है, एक है, माइनस में वन है, माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, इंटू में क्या हो जाएगा वन, और फिर इंटू में माइनस में तीन सौ छ हो जाएगा, बटा में आपका टू इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहां आ जाते हो तो यहां आप क्या कर दोगे, यहां माइनस में हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, माइनस में है, माइनस में वन हो जाएगा, माइनस में वन प्लस माइनस में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये छह चौका चौबीस के चार हो जाएगा दो, और यहाँ दो बच जाएगा, चार तीन बारह हो जाएगा। ठीक है, बाटा में आपका दो हो गया, फिर ये आपका कितना हो माइनस वन प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका बारह पच्चीस बाटा में दो, ये हो गया आपका माइनस वन प्लस माइनस, ये पैंतीस का वर्ग है, यानी पैंतीस गुणे पैंतीस कर देंगे और बाटा में दो कर देंगे, ये आपका माइनस वन प्लस माइनस पैंतीस हो गया, बट्टा में दो हो गया। ठीक है, फिर आगे चलिए, एक्स का मान आपका जो मान आया है, हाँ देख लीजिए, वो माइनस में आप कर लीजिए पैंतीस बट्टा दो कर लीजिए, एक माइनस में वन माइनस में पैंतीस बट्टा दो करिए, यहां हो गया आपका चौतीस, चौतीस बट्टा दो हो जाएगा, सत्रह दुना चौतीस होगा, और माइनस में यहाँ छत्तीस होगा, बट्टा में दो होगा, ये आपका अठारह हो जाएगा, माइनस में अठारह होगा, यहाँ आपका सत्रह आएगा, माइनस में अठारह आएगा, इसको अमान्य मान सकते, अमान्य। ठीक है, तो यहाँ एक्स बराबर कितना आ गया आपका सत्रह आ गया, आपका फर्स्ट प्राइम कितने हैं, वो एक्स है, वो एक्स प्लस वन है, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर क्या है, एक फर्स्ट प्राइम सत्रह आ गया, एक अपना क्या माने हैं एक्स प्लस वन, यानी सत्रह प्लस वन यानी अठारह हो गया। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत आसान तरीका से, बहुत आसानी से हल हो गया, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखें और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज तक इतना ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।